जहां तक देखा जाए कांग्रेस और आप अगर गठबंधन करते हैं, कितना असर लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है? देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भरूच के अलावा दो सीटें गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ सकती है, इसके अलावा हरियाणा में और असम में एक एक सीट देने को तैयार है कांग्रेस। दिल्ली में तीन सीटें कांग्रेस को और चार सीटें आम आदमी पार्टी को लड़ने का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया था, जिस पर सहमति बन गई थी। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में अलका लांबा, जो उनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके लिए नई दिल्ली सीट, चौथी सीट दिल्ली में मांग ली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी नाराज हो गई। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने कदम पीछे खींच रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस चौथी सीट का दिल्ली का दावा अपना वापस ले लेगी, और अगर वापस ले लेगी तो आज या कल में गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। और जहां तक गोवा और पंजाब की बात करें, क्या उसमें भी बैठकों को लेकर कुछ बात चल रही है? देखिए, पंजाब में दोनों दलों के बीच सहमति बन गई है कि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, जिससे बीजेपी को विपक्ष का स्पेस ना मिले। और जहां तक गोवा की बात है, गोवा में बीजेपी ने साउथ गोवा की सीट मांगी थी, जहां से कांग्रेस के सिटिंग एमपी फ्रांसिस्को सार्दिना है, इसलिए कांग्रेस ने उसको देने से मना कर दिया। लेकिन वो इस फॉर्मूले के तहत बात बन गई है, बस मामला दिल्ली की चौथी सीट पर अटका हुआ है। कांग्रेस जैसे ही वो दावा वापस ले लेगी तो गठबंधन का ऐलान आज और कल में कर दिया जाएगा। धन्यवाद, पूरे मसले पर आप नजर बना रहे हैं। तो आखिर कुमार विक्रांत जी बात करें राजनीति में, आखिर बैठकों ने लेने चौक्सपणे उठापटक है, तेने लैने आगामी दिवसों की अंदर पर आखिर अपडेट्स मिलता रहेशे।